अद्भुत वस्तुओं को देखें। आओ हम आरंभ में चलें और देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बता। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अंधेरे को एक तरफ किया और कहा उजियाला हो। उसने उजियाले को दिन कहा और उसने अंधेरे को। तब परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया। उसने उस अंतर को आकाश कहा। दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए पानी को समंदर कहा। तब उसने घास और पेड़ बनाए। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए। परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मछलियां और आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए। फलो फूलो, उसने उनसे कहा, संसार को संगीत और पानी से भर दो। इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए। उसने खेतों के जानवर, जंगली जानवर और जानवर जो भूमि पर रहते हैं को बनाया। अभी केवल एक और चीज बनानी है, परमेश्वर ने कहा। सब चीजों से विशेष अभी केवल एक और चीज बनानी है। इस तरह परमेश्वर ने आदमी और औरत को उसके स्वरूप में बनाया। फलो फूलो, उसने कहा, संसार पर अधिकार रखो, मछलियों, पंछियों और जानवरों की देखभाल करो। छठवां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा। ये बहुत अच्छा है, उसने कहा। इस तरह सातवां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को विश्राम